अब मेरे को आपको हम लोग मतलब बात कर रहे थे कि पैट आ जाता है हमारा जब हम स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं तो पैट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके आगे ना तो टीचर नॉर्मली बताते हैं और स्टूडेंट कहते हैं कि यार यहीं पर फॉर्मेट अगर कंप्लीट हो गया तो जरूरत क्या है। आपने भी शायद आगे नहीं सोचा, आपने बोला आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बात खत्म। तो ये बात मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया कौन सा अकाउंट बना के आया है, कौन सा फॉर्मेट करके आया, स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल का, क्योंकि हम लोग ने सीख लिया। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसका है? तो आपने मुझे खुद ही आंसर दिया कि सर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो किसका है, सिंपल सी बात है, टैक्स देने के बाद जितना बचा हुआ प्रॉफिट है ऑल बिलोंग्स टू ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड ओनर्स ऑफ द कंपनी आर शेयर होल्डर्स। आपका आंसर यही है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन मार्क आएगा मैडम कि ये शेयर होल्डर को जो पैसा मिल रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, सारा पैसा आपने बोला किसका है, शेयर होल्डर का, लेकिन मेरा क्वेश्चन दोबारा क्या है कि शेयर होल्डर में किसका सबसे पहले, किसका मैडम सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और फिर बचा हुआ सारा का सारा किसका, इक्विटी शेयर होल्डर का। लेकिन ध्यान रखो कंपनी के अंदर पैसा लगाने वाले सिर्फ शेयर होल्डर तो कभी नहीं थे, शेयर होल्डर से पहले भी कोई था जिसको पेमेंट देनी ही देनी होती थी, डिबेंचर होल्डर, हाँ कि ना, इनको तो फिक्स पेमेंट जाती थी, इसका मतलब इनको पेमेंट देनी ही देनी थी, इसलिए हमने इनको वर्ड कौन सा दिया था मैडम, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब प्रॉफिट कमाए चाहे ना कमाए इनको एज एन एक्सपेंस पहले आपको इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके लिए फिक्स चार्ज हो गया, बताओ हाँ कि ना। और शेयर होल्डर को सिर्फ और सिर्फ पैसा ही तब मिलेगा जब पहले क्या कमा लेगी, प्रॉफिट हो जाएगी। लेकिन प्रॉफिट अगर बच गया तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको, उसके बाद लेकिन सारा बचा हुआ मैडम किसको, अगर मैं यहाँ पर छोटा सा एक फॉर्मेट बनाऊ ना तो कहानी कुछ इस तरीके से, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था हमारी कौन गरीब कौन अमीर की जो वीडियो बनी है उसके अंदर मैंने आपको बताया था ईबीआईटी एक वर्ड था, बताओ हाँ कि ना, ईबीआईटी इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये बिजनेस का मतलब कहीं ना कहीं कौन सा प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आ गया था हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में से हमने सबसे पहले क्या माइनस करा था मैडम, ये है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सबसे पहले पेमेंट गई होगी किसकी, इंटरेस्ट की, जो कि जानी ही जानी है। उसके बाद हमारा बचा था ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स बच गया था, उसके बाद हमने माइनस करा था किसको, टैक्स देने के बाद जो कुछ भी बचा हमने उसे कहा था हमारी क्या है, ये हमारी है अर्निंग आफ्टर टैक्स, या सिंपली अगर मैं स्लैश करके इसका दूसरा नाम रख सकता हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जहां से मैंने आज शुरुआत करी इस वाले पॉइंट से, हाँ कि ना। ये आ गया हमारा पैट ऐसे करके। तो हमारा फॉर्मेट एक्चुअली 12th क्लास की बुक में तो यहीं पर खत्म हो जाता है मैडम, लेकिन बड़ी दिक्कत है कि सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद, अब सबसे पहले अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा आ चुका है तो सबसे पहले, अच्छा ये देखो एक मिनट, ये इंटरेस्ट की पेमेंट जो मैंने माइनस कर रखी है मैडम, ये तो किसको पेमेंट चली गई है, ये देखो खुद देखो, अर्निंग्स टैक्स के बाद तो यहां बचनी शुरू हुई है मैडम, मतलब प्रॉफिट तो ये वाला प्रॉफिट शेयर होल्डर को बिलोंग करता है, इसलिए देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद बचा हुआ सारा शेयर होल्डर का है। लेकिन खुद देखो सबसे पहले अभी अर्निंग बची भी नहीं थी तो भी हमने किसकी पेमेंट कर दी है मैडम, इसका मतलब डिबेंचर होल्डर को तो सर पेमेंट करनी करनी है, चाहे आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचे चाहे ना बचे, इसलिए इंटरेस्ट को मैंने एज अ फिक्स्ड एक्सपेंस पहले ही चार्ज कर लिया। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पेमेंट की किसको जा रही है मैडम, उसके बाद कहीं ना कहीं सेकंड किसको, और बचा हुआ सारा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, इसलिए दे आर दी रियल ओनर्स ऑफ दी कंपनी। और सबसे ज्यादा कमाने वाले लोग भी कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। तो अगर मैं यहाँ पर पैट तक आ चुका हूँ तो सबसे पहले अगर मैं प्रॉमिस कर चुका हूँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करनी पड़ेगी। लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम क्या पे करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड मैडम, और ये भी एक फिक्स परसेंटेज होती है। अच्छा मान लो अगर मैं इंटरेस्ट 8% के हिसाब से दे रहा था तो पक्का है कि मैं प्रेफरेंस डिविडेंड थोड़ा सा ज्यादा दूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट वाला बंदा डिबेंचर होल्डर तो कह रहा है कि लॉस भी होगा तो मुझे देना, वो सबसे कम रिस्क लेता है, इसलिए मैं उसे रिटर्न भी थोड़ी सी कम दूंगा तो चलेगा। लेकिन ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ये कह रहे हैं कि हमें लॉस पे मत देना, हमें जब प्रॉफिट होगा तो दे देना, इसलिए मैंने इनको ज्यादा दिया, क्योंकि ये ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ये ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे और कंपनी को इनको ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। तो मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड की पेमेंट को क्या कर दिया मैडम, लेकिन उसके बाद बचा हुआ सारा मैडम ये किसका बचा हुआ सारा, ये सारा अमाउंट किसका है मैडम, बिल्कुल ये सारा अमाउंट है टू इक्विटी शेयर, उसको हम बोलेंगे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैडम यहां जाके पूरा फॉर्मेटी के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट का कंप्लीट होता है मैडम। इसको मैं चाहूं तो कौन सा वर्ड बोल सकते हैं सर मैडम, दिस इज ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट, क्यों अल्टीमेटली उसने हमारी क्या कैलकुलेट करी है, हमारी इनकम कैलकुलेट करी है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट है, पैट के बाद भी आगे कहानी चलेगी।
क्लियर वाली बात। तो इसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। आप चाहे से स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बोलो, अल्टीमेटली पर्पस तो इनकम कैलकुलेट करना है, इसलिए नोन एज इनकम स्टेटमेंट। अगर मैं छोटा सा फॉर्मेट दोबारा रिवाइज कराऊं, आप ही बता दें एक बार फटाफट से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस गिव्स अस प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पैट तक तो सब मुझे पहले भी पता था, सबको पता था, लेकिन पैट के आगे की कहानी कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दे देंगे, देन उसके बाद जो भी बचेगा हमारा वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट वाली बात है, ये तो फिक्स इंटरेस्ट है, देना ही देना था। अर्निंग्स हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पर आई है टैक्स देने के बाद, जो बचा है मालिकों के लिए। तो मालिक में दोनों ही मालिक है एक्चुअली, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी मालिक है और इक्विटी शेयर होल्डर भी ओनर्स हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दी जाएगी, इसलिए मैं सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दूंगा नंबर वन। लेकिन फिर बची हुई सारी कमाई बिलोंग्स टू अर्निंग, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, क्लियर हो गया सारी बात मैडम? तो बस ये तो छोटी सी बात है।